नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा, इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं एसियस आरओजी ज़ेफ़ायरस GX701 के बारे में। तो दोस्तों, इस लैपटॉप के अंदर इंटेल का कोर i7-8750H आता है, NVIDIA RTX 2080 Max-Q डिज़ाइन वाला आता है, 24GB DDR4 RAM है इसके अंदर, M2 NVMe PCI Express इसमें 1TB की SSD है, और ये जो है ये काफ़ी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ आता है। जैसे कि अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो इस पे एक USB टाइप सी पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, इसके वहाँ पे ग्रिल भी दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे HDMI पोर्ट है, DC इन है, एक USB पोर्ट है, एक और USB टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm जैक है। बैक पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सकते हैं मस्त एकदम कूलिंग के लिए ग्रिल दे रखी है। और ये लैपटॉप का जो डिजाइन है वो ऐसा है कि इसको जैसे ही बंद करते हैं तो पूरा बंद हो जाता है, और खोलने पे वो बैक वाला जो डिजाइन है वो हिंज ऊपर से उठता है और कूलिंग में मस्त हेल्प करता है। 81% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ एक बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले है, और ये काफी कलर एक्यूरेट भी है। बेजल्स भी थे ना इसके, 144Hz रिफ्रेश रेट, 3 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, और 100% sRGB कलर गैमेट को सपोर्ट करती है, और एक पैंटोन सर्टिफाइड पैनल है, जिसका मतलब है कि कलर्स काफी हद तक परफेक्टली कैलिब्रेटेड है और एडिटिंग वगैरह वर्क के लिए काफी सही लैपटॉप है। पर इसमें एक यूजिबिलिटी इशू मुझे ये लगा कि क्योंकि इसका कीबोर्ड काफी नीचे सा है, तो जब आप हाथ उस पर रखते हैं तो पाम को रेस्ट देने के लिए कोई जगह नहीं है। इसका जो ट्रैक पैड का डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक सा है, और कीबोर्ड भी काफ़ी हद तक सही है, कीज़ जो है वो सही डिप्रेस होते हैं, और उसके अलावा इसके लिए अलग से एक वॉल्यूम इसमें अप डाउन करने वाला मैकेनिज्म दे रखा है। इसका एयर फ्लो पहले से बढ़ा दिया गया है और काफ़ी हद तक सही हो गया है, जो इसको लिड को ओपन करते ही नीचे से मस्त जो एयर फ्लो इसका आता है। और गेमिंग और FPS की अगर बात की जाए तो ये RTX 2080 8GB वीडियो रैम के साथ आता है, और मतलब ऑलमोस्ट बीस्ट लैपटॉप है ये गेम्स खेलने के लिए। इसमें कहीं पर भी कुछ भी लैग्स वगैरह मुझे नहीं दिखाई दिए, और ये हम Battlefield 1 इसमें, और रे ट्रेसिंग भी इनेबल्ड है इसमें। और जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स बहुत सही थे, आराम से 60-90 FPS के बीच में वो हल्का हल्का झूल रहा था, डिपेंड करता है कि आप कैसे खेल रहे हैं। और बाकी इस पे काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव वगैरह जैसे गेम्स तो बहुत ही प्यार से खेल सकते हैं। और RTX 2080 क्यू पे आराम से आप शैडो ऑफ द टूम रेडर जैसे गेम पे 91 FPS तक प्राप्त कर सकते हैं, और फायर क्राई 5 जैसे गेम पे 106 FPS तक ले सकते हैं इजीली। असैसिन्स क्रीड ओरिजिंस भी हम इस पे खेल लेते, काफी सही FPS आ रहा था, कहीं पे भी लैग वगैरह नहीं आ रहा था, किसी भी गेम को आप इसमें मैक्स करके खेल सकते हैं और इश्यूज नहीं है। अब आइए इसके कीबोर्ड को जरा सा टेस्ट करते हैं। तो जो क्लिक क्लैक इसमें साउंड आ रहा है वो एकदम ही जेन्युइन है, पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये जो कीबोर्ड है इसमें नीचे पाम रेस्ट एरिया नहीं है। और आइए अब जरा बेंचमार्क स्कोर्स आपको दिखाते हैं कि इस पे अलग अलग बेंचमार्क्स पे कैसा स्कोर आया था। तो सिंपल बात ये है कि लैपटॉप बहुत ही हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप है, पर दिक्कत ये है कि इसमें अभी इंटेल का कोर i7-8750H है, और भविष्य में जैसे ही इंटेल अपनी कोर सीरीज 9th Gen वाली निकालेगी मोबाइल चिपसेट्स वाली, तो बिल्कुल ही एक नया अपग्रेड आना चाहिए इस लैपटॉप का। और बात वही है कि उस बीच में ये लैपटॉप लेना थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इंटेल के 9th Gen चिप्स के लिए वेट कर लेना चाहिए। वैसे अभी भी ये लैपटॉप एकदम बीस्ट है। इसकी जो इंटरनल SSD है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और 3.5 लाख रुपए इसका करंट मार्केट रेट है। और आइए एक साउंड टेस्ट करते हैं। इसमें एकदम भरा हुआ बेस वाला साउंड आता है, और अगर जैसे पूरे स्पेक्स की बात की जाए तो एक बहुत ही बीस्टी लैपटॉप है ये। लेकिन वही बात है कि 3.5 लाख इसका प्राइस है, और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको 3.5 लाख का PC नहीं बनाने का है और लैपटॉप ही चाहिए जिसमें ऑलमोस्ट आप कोई भी गेम खेल सके मैक्सिमम FPS पे रे ट्रेसिंग इनेबल करके, तो शायद से आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए, अन्यथा बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में जो लोग नॉर्मल PC गेमर्स हैं उनके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, नीचे छोटी सी प्यारी सी घंटी है उसको बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।